बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ महविश की कुकिंग बेकिंग में 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे शॉपिंग व्लॉग। जैसा कि आप सबको पता है, जश्न आज़ादी करीब आ रही है तो बाज़ारों में बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और सब लोग बहुत सी शॉपिंग्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को साथ शेयर करूँगी बच्चों की शॉपिंग्स, क्योंकि मैं यहाँ पर करने आई हूँ मोहम्मद बलाज यानी मेरे भतीजे की शॉपिंग के लिए। कुछ ड्रेसेस लेंगे और कुछ हम और चीज़ें भी लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आजकल मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसेस आए हुए हैं ग्रीन एंड वाइट थीम के। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और ग्रीन एंड वाइट तो हमारे फ्लैग का कलर है तो वो बेहद खूबसूरत है कलर। तो ये देख सकते हैं ड्रेसेस भी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, और बच्चों की तो बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई है 14 अगस्त की। तो यहाँ पर बस हम सिलेक्शन कर रहे हैं कि हम कैसा ड्रेस लें बलाज के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त से कलरफुल यहाँ पर ग्रीन एंड वाइट ड्रेसेस हैं। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। हम बलाज के लिए सेलेक्ट कर रहे थे कि हम कौन सा ड्रेस लें, तो इतने सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था बलाज के लिए, मैंने ड्रेस ले लिया था। तो लास्ट में देखिएगा बलाज की फुल शॉपिंग जो जो हमने ली है। तो वीडियो को देखते रहिए और हमारे साथ रहिए। तो यहाँ जैसा कि हर साल ही वतन की मोहब्बत के लिए पाकिस्तान में बहुत ही जोश व खरोश से जश्न आज़ादी मनाई जाती है, और इस साल भी बहुत ही जोश व खरोश है। बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा शॉपिंग की जा रही है और ग्रीन एंड वाइट हर जगह नज़र आ रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ बैंड थे तो उस पर भी लिखा हुआ था आई लव पाकिस्तान, और यहाँ पर कुछ स्टिकर्स थे क्योंकि मुझे कुछ स्टिकर्स लेने थे तो ये मैंने लिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे, फ्लैग स्टिकर्स थे, और यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थीं जो यहाँ पर मैंने ली। और सकते हैं ये हैं हमारे पाकिस्तान के बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने अंतक मेहनत के साथ ये पाकिस्तान आज़ाद करवाया और हमें दिया। तो बेशक हमें पाकिस्तान का अच्छे से ख्याल रखें और दुआ करें कि हमेशा ये कायम और दायम रहे और ऐसे ही रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ गिलासेस, मैंने ग्लासेस लिए थे बलाज के लिए, और ये मास्क भी लिया था ग्रीन कलर का जो बेहद ज़बरदस्त लग रहा था, और बलाज जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो ये मैंने मास्क लिया और ग्रीन ग्लासेस लिए, और यहाँ पर बहुत ही और शेप्स के भी मास्क थे पर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था ग्रीन वाला, तो यही मैंने सेलेक्ट करा। और यहाँ पर थी ग्रीन एंड वाइट चूड़ियाँ, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए चूड़ियाँ भी ली थी जो बेहद ज़बरदस्त लग रही थी। यहाँ पर थे कुछ और ग्लिटर स्टिकर्स थे तो ये भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, तो यहाँ पर मैंने ये भी परचेज़ करे। और बहुत ही छोटे छोटे से फ्लैग्स बने हुए थे ये भी लिए। हमें दुआ करनी चाहिए अपने पाकिस्तान, अपने प्यारे वतन के लिए कि वो हमेशा ऐसा ही चमकता धमकता रहे और हमेशा खुशहाल रहे हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान जो बहुत ही अंतक मेहनत और कुर्बानियों के साथ आज़ाद हुआ और हमें मिला। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत से फ्लैग भी मौजूद थे। पर बस मैं यही कहूँगी कि हमारा वतन ऐसा ही हरा भरा रहे, खुशहाल रहे, और जो भी मुश्किलात और परेशानियां हमारे मुल्क में हैं वो सब ख़त्म हो जाएं, और ख़ास तौर पे इस मुल्क से महंगाई ख़त्म हो जाए, लोड शेडिंग ख़त्म हो जाए, और गैस की लोड शेडिंग भी आजकल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। बस यही दुआ है कि हमारा मुल्क बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो जाए। और भी बहुत ज़बरदस्त सी यहाँ पर हैंड बैंड थे, ये देख सकते हैं ग्रीन एंड वाइट जिस पर लिखा होता दिल दिल पाकिस्तान लव, जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। और जैसा कि जो जो चीज़ें मुझे पसंद आती जा रही थी मैं वो लेती जा रही थी कुछ बलाज के लिए। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से बेजिस भी थे मुख्तलिफ़ शेप के, यहाँ पर लाइट वाले बेजिस भी मौजूद थे, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे। जो ड्रेसेस पे लगते हैं तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं,
और यहाँ पर कुछ रिंग्स थी 14 अगस्त के हवाले से, जिसपे स्टार्स बने हुए हैं और स्टार्स शेप्स भी बने हुए हैं। यहाँ पर हमारी जो शॉपिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, बस हम अब घर के लिए जा रहे हैं। और ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है शॉपिंग का, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि शॉपिंग का व्लॉग बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बाहर जाके, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और घर चल के मैं आपको दिखाऊँगी बलाज की फुल शॉपिंग, जो हमने चीज़ें ली, तो प्लीज़ साथ रहिएगा। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोहम्मद बलाज की ड्रेसेस जो हमने लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ड्रेसेस लिया था ग्रीन एंड वाइट कंट्रास्ट के साथ, और कुछ हमने यहाँ पर ली थी बलाज के लिए बैंड्स लिए थे हैंड्स के, और स्टिकर्स लिए थे मैंने, और ये केप लिया था जो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, और ये मास्क भी मैंने लिया तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा लगा। और यहाँ पर एक और ड्रेस लिया था, तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल लग रहा है ये कमांडो शर्ट वाला ड्रेस, तो ये देख सकते हैं ये भी हमने लिया। तो बलाज के हमने 2 ड्रेसेस लिए थे, और कुछ मैंने बलाज के लिए फ्लैग्स लिए थे, बेजीज लिए थे, कैप्स लिया है, और ग्लासेस भी लिए थे बलाज के लिए, और यहाँ पर लाइट वाली वॉच भी ली है, हैंड बैंड लिए हैं 14 अगस्त के, और कुछ डेकोरेशन आइटम भी लिया था मैंने यहाँ पर। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा 14 अगस्त शॉपिंग व्लॉग कैसा लगा। यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ इस दुआ के साथ कि हमारा प्यारा पाकिस्तान हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की की राह में आगे से आगे बढ़े। तो बस अपने वतन का हमेशा ऐसे ही दिलो जान से मोहब्बत साथ जश्न आज़ादी को मनाइए, और अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार कीजिए। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।